हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट रिजोल्यूशन स्टडी पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक दैट इज़ क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है ये एक फ्यूज्ड कंपाउंड होता है जिसमें दो सिक्स मेंबर्ड रिंग, एक जिसमें से बेंजीन है और दूसरी जिसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं। और यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो क्या हो जाएगा, क्विनोलिन। तो दिस इज़ योर क्विनोलिन। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए कि क्विनोलिन जो है इसको किस किस मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है और इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, साथ में किस टाइप से हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। साथ में हम इसके दूसरे आइसोमर को भी स्टडी करेंगे इसी टॉपिक में, जिसका नाम क्या है, आइसो क्विनोलिन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्विनोलिन इज स्कर्प मेथड। स्कर्प सिंथेसिस से हम किस टाइप से क्विनोलिन की फॉर्मेशन करेंगे ये हम इस मैकेनिज्म में, इस मेथड में देखने वाले हैं। तो फर्स्टली जो आपके पास एनिलीन होगा उसकी हम ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करते हैं। एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, ग्लिसरॉल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इन नाइट्रोबेंजीन एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स नाइट्रेशन भी करेंगे हम इसका। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्विनोलिन, एनिलीन और वाटर। तो एनिलीन की आपने रिएक्शन की किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ और नाइट्रेटिंग रिएजेंट के साथ। नाइट्रेटिंग रिएजेंट में हमने लिया है नाइट्रोबेंजीन। देखते हैं रिएक्शन किस टाइप से होती है, वही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म से हमें समझ में आएगा कि रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड करती है। फर्स्टली आपको क्या लेना है, फर्स्टली मैकेनिज्म में आपका जो ग्लिसरॉल है ये कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करता है। तो आपको पता है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 जो ये आपका डाईओल आपको दिख रहा है इसमें से क्या करेगा, वाटर को रिमूव कर देगा। और वाटर को रिमूव करने के बाद यानी कि डाईओल जो दोनों ओएच थे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और फॉर्मेशन होगी एक डबल बॉन्ड की, जो कि आपका कंपाउंड का नाम होगा एक्राइलोइन। ठीक है, अब जो आपका एनिलीन था उसके क्रोइलीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एक कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड आगे मूव करेगा और आपका जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, बेंजीन और जो आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था वो दोनों आपस में अटैच हो गए हैं। नेक्स्ट वाली कंडीशन में ये आपको पता है कि इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म कीटोफॉर्म के साथ टोटोमराइजेशन में रहेगी, तो टोटोमराइजेशन होगा यहाँ पर और टोटोमराइज होकर के ये कीटोफॉर्म में आ जाएगा। अब जो कीटोफॉर्म आया है इसका होगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन करने के लिए हम इसकी रिएक्शन कर देंगे एसिड के साथ तो ऑक्सीजन का हो जाएगा प्रोटोनेशन। अब जो आपका डबल बॉन्ड है बेंजीन का वो किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा जिसके ऊपर क्या था, OH पॉजिटिव, और यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड था ये ऑक्सीजन के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कार्बन और बेंजीन और जो कार्बन थे उसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अगले स्टेप में आपको पता है कि जो आपका क्विनोलिन है उसको बनाने के लिए बस अभी आपको क्या करना है, दो डबल बॉन्ड और लेकर आने हैं। तो फर्स्टली आप क्या करो, यहाँ से OH निकाल दो और इस वाली कार्बन से प्रोटॉन निकाल दो तो वाटर निकलेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर से आप इसका डिहाइड्रेशन कर दो। ठीक है, डिहाइड्रेशन कैसे करोगे, अब भाई ये वाला H और ये वाला H यहाँ से H2 की फॉर्म में निकल जाएगा और क्या आ जाएगा आपका, एक और डबल बॉन्ड। पहले आप इसका OH लेकर आओगे उसके बाद H निकालोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था स्कर्प मेथड, जिसमें हमने क्विनोलिन की फॉर्मेशन की है। फॉर्मेशन करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल आपको ग्लिसरॉल चाहिए था, एनिलीन चाहिए था, साथ में एक नाइट्रेटिंग रिएजेंट चाहिए था जो कि हमने लिया नाइट्रोबेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। तो सेकेंड मेथड का नाम है फ्रिडलैंडर सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में हम जो स्टार्टिंग मटेरियल लेकर चलते हैं वो रहेगा आपका अल्फा अमीनो बेंजाल्डिहाइड, दिस इज योर ऑर्थो अमीनो बेंजाल्डिहाइड। इसकी हम रिएक्शन करेंगे एसिटल एल्डिहाइड के साथ, दिस इज योर एसिटल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर फर्स्टली आपको पता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी और वाटर का रिमूवल होगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डायरेक्ट नॉन डबल बॉन्ड सी आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले वाले स्टेप में
यहाँ से आप बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो बेस जो एसिडिक प्रोटोन है उसको रिमूव कर लेगा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज का कार्बोनिल कार्बन पे आप फर्दर अटैक दिखाओगे तो अटैक दिखाने से क्या होगा, आपकी रिंग साइक्लाइज हो जाएगी। अब बस सिंपल करना क्या है कि ये OH और यहाँ से H वाटर की फॉर्म में रिलीज करवा दो और आपका जो कंपाउंड है क्विनोलिन उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा फिडलैंडर मेथड है जिससे हम क्विनोलिन के सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है उस वो हम बनाएंगे क्विनोलिन को इंडोल से। नाउ फ्रॉम इंडोल, इंडोल की हम जब रिंग एक्सपेंशन करेंगे, रिंग की जब रिंग एक्सपेंड करेगी 5 मेंबर से 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होगी तो वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्विनोलिन में। तो रिंग एक्सपेंशन के लिए हम इसकी कार्बिन से रिएक्शन कराएंगे, कार्बिन बनाएंगे कैसे कि जो आपका डाइक्लोरो मिथेन है इसकी किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो आपका क्लोरोमिथाइलिन कंपाउंड है इसकी फॉर्मेशन होगी। अब क्लोरोमिथाइलिन कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डबल बॉन्ड अटैक करेगा इसके कार्बन के ऊपर और लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेंगे, मींस डबल बॉन्ड के ऊपर जो आपका कार्बिन था इसका इंसर्शन हो जाएगा। फिर आप यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि 5 मेंबर रिंग और 3 मेंबर रिंग दोनों रिंग हाईली स्ट्रेंड मॉलिक्यूल हैं, तो ये अपने स्ट्रेन से बचने के लिए 3 मेंबर रिंग जो है ये ब्रेक करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 मेंबर रिंग में। फोर्थ मेथड जो इसका है ये रहेगा आपका डोबनर मिलर सिंथेसिस। इम्पोर्टेंट सिंथेसिस है डोबनर मिलर सिंथेसिस। डोबनर मिलर सिंथेसिस में हम जो क्विनोलिन की फॉर्मेशन करते हैं वो स्कर्प जो सिंथेसिस था बस उसी का मॉडिफिकेशन है और कुछ भी अलग इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो आप 3 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल के लेकर चलते थे, यहाँ पर आप 3 मॉलिक्यूल्स सॉरी एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल लेकर चलते थे जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते थे, तो यहाँ पर आप 3 एसिटाइल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लेकर चलोगे जिसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर आपको कंडेंस्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी। अब जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है इसके ऊपर नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक होगा और यहाँ से डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और जो ये डबल बॉन्ड था कार्बोनिल की कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वाटर को रिमूव करोगे तो नेक्स्ट कंपाउंड आपको ये मिल जाएगा। अब फर्दर आपको यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लेकर आना है तो इसके लिए ऑक्सीडेशन कर देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो यहाँ से हो जाएगा डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन से आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हमारा डोबनर मिलर सिंथेसिस है क्विनोलिन के सिंथेसिस के लिए। अब हम बात करते हैं क्विनोलिन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो क्विनोलिन है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कलरलेस लिक्विड होता है, 511 केल्विन इसका टेम्परेचर रहता है, बॉइलिंग का पॉइंट रहता है बॉइलिंग पॉइंट, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको मिलेंगी जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्विनोलिन की बात करते हैं तो क्विनोलिन में अगर रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो इसमें लगभग 200 के पास 200 किलो जूल पर मोल के आसपास इसमें रेजोनेंस एनर्जी होती है। साथ में क्विनोलिन एक 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह बिहेव करता है, एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में, ठीक है। बेसिसिटी, तो अब इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा और एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर आपको प्रोवाइड करेगा। तो देखिए ये आपके पास क्विनोलिनियम आयन है जो मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो मिथाइलेशन हो जाएगा, एल्सिन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्विनोलिनियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जब हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी तो जो आपका क्विनोलिन वाली स्ट्रक्चर थी उसमें जो पिरिडीन मॉलिक्यूल था, पिरिडीन वाली रिंग के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था, अब पिरिडीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल से तो रिएक्शन करेगा नहीं, इलेक्ट्रोफाइल तो इस वाली रिंग के ऊपर अटैक नहीं करेगा, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ये हमेशा बेंजीन रिंग पर रहेगा, पोजिशन नंबर 8 या 5 पे होगा, जनरली 5 पे होता है लेकिन कई बार आपको पोजीशन नंबर 8 पर भी देखने को मिलेगा। दिस इज़ योर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, इस टाइप से करते जाओ, सॉरी दिस इज़ योर 5th, 6th, 7th, 8th और ये आपकी 9 और 10,
ठीक है। तो यहाँ पर या तो आपको 8th पोजीशन पे मिलेगा या फिर 5th पे मिलेगा। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो आपको, अगर मेजर कंपाउंड की बात करते हैं तो आपको 5th वाला जो कंपाउंड है मेजर मिलेगा, लेकिन मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो जो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा वो 5-ब्रोमो और 8-ब्रोमो क्विनोलिन होगा। नाइट्रेशन करते हो तो 5-नाइट्रो और 8-नाइट्रो क्विनोलिन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे सल्फोनेशन करेंगे तो 5th पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड और 8th पोजीशन पर भी सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, लेकिन सल्फोनिक एसिड के साथ यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन रहता है कि जो 8th पोजीशन वाला क्विनोलिन है, सल्फोनेटेड जो क्विनोलिन है, ये मेजर कंपाउंड होता है, डोमिनेट करता है। ओके, अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो आप लोगों ने देखा था कि जो आपका क्विनोलिन है, इस क्विनोलिन में जो आपका पिरिडिन, जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, तो यहाँ पर इजली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करोगे क्विनोलिन की, तो ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे अटैक करेगा भाई, या तो सेकेंड पोजिशन पर अटैक करेगा या फिर 4th पोजिशन पर अटैक कर सकता है, लेकिन सेकेंड वाला ही आपको मेजर मिलेगा। क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, तो देखिए यहाँ पर आपने अमाइड से रिएक्शन कराई, अमाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी कर सकता है, इसलिए सेकंड पोजीशन पे हो आ जाएगा आपका अमीनो ग्रुप। ऐसे ही आपने स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर दी तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका, ये ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही आप अगर क्विनोलिन का रिडक्शन करते हो तो जो क्विनोलिन है ये टिन क्लोराइड से, अगर आपने टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर आपने इसका हाइड्रोजिनेशन किया है, तो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड जो थे पिरिडिन के, ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड। अगर आपने सिर्फ हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ रिएक्शन की है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। और अगर आप रिएक्शन करते हो या तो बर्च रिडक्शन या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो केवल एक ही डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा। ओके, तो ये हमारा रिडक्शन के एग्जांपल था। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन का। तो जो आपका क्विनोलिन है, जब आप इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि केमेनोफोर से ऑक्सीडाइज करते हो, तो जो आपकी बेंजीन है ये रिंग ब्रेक होती है और कोरस्पोंडिंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी। हीटिंग करोगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि नाइट्रोजन के पास वाला होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करते हैं कि किस टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये कंपाउंड आपको देता है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म का जो स्टेप होगा, आपने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, साथ में 5th पोजीशन पे कंपाउंड आपको मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप रहता है मैकेनिज्म का, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। फर्स्ट स्टेप में होगा इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन। अब जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो क्विनोलिन रिंग के ऊपर उसका डबल बॉन्ड अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद ये जो आपको कार्बोकेटायन मिलेगा, ये अपने आप को रेजोनेंस की हेल्प से स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करने के बाद किसी बेस से रिएक्शन करके प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा, कंपाउंड आपका दोबारा से एरोमेटिक करेक्टर को गेन कर लेगा। बिल्कुल सेम मैनर में हम 8th पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन भी दिखा सकते हैं। 8th पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे तो आपका जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और सेम रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, एच पॉजिटिव का रिलीज होगा, और आपको फिर से क्विनोलिन जो कि सब्स्टिट्यूटेड होगा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, एरोमेटिक करेक्टर को कंपाउंड दोबारा से गेन कर लेगा। अब हम बात करते हैं आइसोक्विनोलिन की। तो क्विनोलिन की हमने रिएक्शंस, क्विनोलिन की रिएक्शन के साथ साथ इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइसोक्विनोलिन भी बिल्कुल सेम कंपाउंड है, क्विनोलिन का ही एक आइसोमर है, तो इसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आइसोक्विनोलिन बेसिकली है क्या, कि अगर नाइट्रोजन की पोजीशन फर्स्ट के बजाय सेकेंड पोजीशन पर आ जाए तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, आइसोक्विनोलिन। दिस इज योर आइसोक्विनोलिन। क्विनोलिन बनाने का फर्स्ट मेथड हमारा रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, फ्रॉम बिश्लेर नेपरेल्स की संथेसिस। इस मेथड के अंदर हम साइक्लोडीहाइड्रेशन करते हैं बीटा फिनाइल इथाइल अमीन का। दिस इज योर बीटा फिनाइल इथाइल अमीन। और जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे फॉस्फोरस
क्लोराइड के साथ, फोस्फोराइल क्लोराइड के साथ या फिर फोस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसका फर्दर आप रिडक्शन कर देते हो, डिहाइड्रोजिनेशन कर देते हो प्लेडियम कार्बन के साथ, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आइसोक्यूनोलिन। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में फर्स्टली क्या होगा कि जो आपके पास नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज फॉस्फोरस पे अटैक करेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि जो बेंजीन का डबल बॉन्ड था ये कार्बन पर अटैक करता है और डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है नाइट्रोजन के पास ताकि पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाए। अगले स्टेप में जो फॉस्फोरस वाला कंपाउंड है ये प्रोटोन को लेकर के निकल जाएगा फॉस्फोरिक एसिड के क्लोराइड के फॉर्म में, और फिर आप अगर प्लेडियम कार्बन से इसके डिहाइड्रोजिनेशन करते हो सेलेनियम की हेल्प से तो यहाँ पर आपको आइसोक्यूनोलिन मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था आइसोक्यूनोलिन बनाने का। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। तो सेकेंड मेथड में हम इसको बनाएंगे पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस से, पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस में हम बीटा अराइल इथाइल अमीन, दिस इज योर बीटा अराइल इथाइल अमीन की रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड के साथ। कोई भी एल्डिहाइड आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ से जैसे आप इसका प्रोटोनेशन करोगे एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन किस टाइप से होगी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बोनिल की, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के पास और फिर यहाँ से सिंपल सी बात है कि वाटर निकल करके कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन हो जाने के बाद इमीन मिलेगा आपको, इमीन का डबल बॉन्ड यहाँ से आप नाइट्रोजन के पास भेज दोगे ताकि जो आपका पॉजिटिव चार्ज हो ख़त्म हो जाए और डबल बॉन्ड जो बेंजीन का था वो कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये जो कंपाउंड आपको मिला है अगर आप इसका डिहाइड्रोजिनेशन कर देते हो सेलेनियम रिएजेंट की हेल्प से तो आपको मिल जाएगा आइसोक्यूनोलिन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड हमारा रहेगा पोमेरेंज फ्रिट्स सिंथेसिस। पोमेरेंज फ्रिट्स सिंथेसिस में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की अमीनो एसिटल के साथ रिएक्शन करते हैं। अगेन यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, आपको एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिलेगा जिसका फर्दर आप क्या कर सकते हो डबल बॉन्ड का अटैक दिखा सकते हो, एक ग्रुप को बाहर निकाल दोगे, डिहाइड्रेशन करोगे तो ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा आइसोक्यूनोलिन। तो ये हमारे तीन मेथड थे आइसोक्यूनोलिन की फॉर्मेशन के। आई होप आपको वीडियो समझ में भी आ रही होगी और आप ये मैकेनिज्म भी समझ पा रहे होगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली टॉपिक की जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन की अगर हम बात करें तो ये भी एक कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 516 केल्विन रहता है। रेजोनेंस की बात करें तो ये कंपाउंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करता है जो कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, जिसमें जो पिरिडीन वाला जो आपका सेकंड जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस वाले रिंग के ऊपर अटैक नहीं करेगा। बात करते हैं बेसिसिटी की। तो ये जो कंपाउंड है आपका ये बेसिक नेचर में रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, ईजिली एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट बनाता है। ये आप देख सकते हो दिस इज योर क्वार्टनरी सोल्ट। जैसे आपने आइसोक्यूनोलिन की मिथाइल आयोडाइड से क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करा दी, सॉरी आयोडोफॉर्म से रिएक्शन करा दी तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1-methyl आइसोक्यूनोलियम आयोडाइड और यहाँ पर आप देख सकते हो आइसोक्यूनोलिन हाइड्रोक्लोराइड। सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको जब भी आप आइसोक्यूनोलिन की जो इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शन करते हो ये फिफ्थ या फिर एट्थ पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा और मेजर जो कंपाउंड होगा मेन जो कंपाउंड होगा आपको फिफ्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन के बाद मिलेगा। ऐसे आप इसके ओलियम में सल्फर ट्राईऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे सल्फोनेशन हो जाएगा, फिफ्थ पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा और एट्थ वाला माइनर प्रोडक्ट होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की, लास्ट रिएक्शन रहेगी इसकी। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल से जब भी आप रिएक्शन करोगे तो न्यूक्लियोफाइल जो आपका एरोमेटिक रिंग था उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस वाले के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इस वाले रिंग पे अटैक करेगा और फर्स्ट पोजिशन पर आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पर अमाइड ने किया तो अमाइड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रेजेंट ने किया है तो अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप आइसोक्विनोलिन की टिन के साथ रिडक्शन करते हो तो कंप्लीट जो आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग था उसका रिडक्शन हो जाएगा, और अगर आप इसका बर्च रिडक्शन करते हो तो केवल एक ही डबल बॉन्ड का रिडक्शन होता है। फिर अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक है, ऑक्सीडेशन वाली जो रिएक्शन है, अगर आपने इसकी रिएक्शन की है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बन फोर से जो कि निसेंट ऑक्सीजन देगा, तो जो आपकी ये पिरिडीन रिंग थी उसका रिंग जो है वो ब्रेक करेगी। ये वाली रिंग ब्रेक क्यों करेगी, क्योंकि आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है इसलिए, ठीक है। दोनों आइसोमर यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये बनी कैसे है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए यहाँ से ये आपका डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, जो कि क्या था, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। इसी के साथ हमारे जो बेंजो फ्यूज्ड कंपाउंड वाला टॉपिक था ये यहाँ पर ख़त्म। ओके।